नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मेरा कमल खिल चुका है। अभी ये कली थोड़ी सी खिली है और पूरा फूल भी बना हुआ, उसकी भी वीडियो में डालूंगी। और अभी मेरे कमल में 3 कलियां और भी आ चुकी है और बेहद ही खूबसूरत और शानदार मेरा कमल अब ग्रो कर रहा है। और अभी मैंने ये वीडियो पहले ही रिकॉर्ड करके रख लिए थे, मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ, मेरा पार्लर भी है और भी बहुत सारे काम है। अभी इतने इतने दिन में वीडियो डाल रही हूँ दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। वीडियो मैंने पहले से ही सब रिकॉर्ड करके रख ली थी और भी बहुत सारी वीडियो है जो अभी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ मैं। और एक बात और, मेरा 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आपके प्यार ने और आपके विश्वास ने मेरे को इतना आगे तक पहुँचाया है। बस ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखना। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कमल में 3-4 कलियाँ और भी आ गई है, मैं उसकी भी वीडियो आपको डाल के बताऊँगी दोस्तों। और मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 200 तक करवाना है दोस्तों आपको। आप ऐसे ही मेरे साथ लगे रहिए, मुझे बहुत खुशी है। अब मैं इसमें सफाई कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगी। इसके पत्ते बहुत सारे पीले और डैमेज हो गए हैं, वो भी कैसे निकालते हैं, उनकी भी केयर कैसे करते हैं, वो भी मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। और इसके अंदर कौन सा खाद अब और डालूँगी मैं इसमें 3-4 कलियाँ और भी आ गई है, और क्या क्या बदलाव आए वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक फूल आने के बाद बहुत सारे चेंज आए हैं इसमें, अभी और भी कलियां आ रही है। और इसमें पानी भी कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, नया पानी कैसे डालना है इसमें। और इसमें लार्वा भी आ गए हैं, मैं सोच रही हूँ इसमें भी एक मछली भी लाकर डालूं, और जिससे ताकि मेरा पानी जल्दी गंदा ना हो। मैंने अभी इसमें वाटर लिली के भी थोड़े बहुत प्लांट डाल दिए थे, जिससे मेरा कमल काफ़ी ग्रो कर रहा है और उसका पानी भी अच्छा साफ़ हो रहा है। और इसमें कौन सी फ़िश डालूंगी मैं वो भी आपको बताऊंगी कि फ़िश कौन सी क्वालिटी की है और वो कैसे मेरे टब में रहेगी और उसको कोई नुकसान नहीं होगा और वो बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब